है बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू डार्लिंग। नाम टाइटल बहुत पसंद आया था है? ये कब हुआ? सिर्फ चार लड़कियां दिखा रहे, उनके फिगर ठीक ठाक है। अरे मैं तो बोलू ना, मेरी पड़ोस वाली आंटी मैक्सी में अच्छी दिखती है भाई। हेलो वन, माय नेम इज दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों 10 साल पुरानी पिक्चर जो बनते हुए 10 साल हो गए, दीपक तिजोरी की टिप्सी रिलीज फाइनली हो गई है। चार चार लड़कियां दिख रही है हमको पोस्टर पे, बहुत हॉट सुंदर। सुशील जो गई थी गोवा विग्नेश को पकड़ के पास, और हमारे मुंबई के थ्री इडियट्स आ गए ये फिल्म देख के। गोलू, विग्नेश एंड समृद्ध, स्वागत है तीनों का टू बॉलीवुड प्रेमी। आज हमारे समृद्ध भाई का बर्थडे भी है, एंड आई होप सो उनको एक अच्छा बर्थडे गिफ्ट मिल गया है आज। यस, ये मैं भी ये बहुत ज्यादा होप करता हूँ। सबसे पहले जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं समू भाई, सेक्सी समू। शुरुआत करेंगे फर्स्ट ईयर मुंबई गोलू से, कैसी लगी? नहीं, गलत। आज गोलू शुरुआत नहीं करेगा, आज जिसका बर्थडे वही शुरुआत करेगा। विग्नेश का है। तो मैं भाई, मैं जन्म लेके गलती कर, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू डार्लिंग। टिप्सी और कुछ भाई को बहुत पसंद आई। हैप्पी बर्थडे, कैसी लगी टिप्सी? बहुत पसंद आई उसको। सर ऐसा लगता है ना कि आज ही के दिन साला सुसाइड कर लूं मैं सर। Oh my God. आज ही के दिन साला खुदकुशी कर लो, आज ही के दिन और मरण नहीं है, वही तो आज ही के दिन मैं खुदकुशी कर लूँ, क्योंकि ये पिक्चर देख के तो साला ऐसे ही लगता है ना कि खुद को खुद की जान ही दे दूँ मैं। Oh my God, क्या हो गया समू भाई, कर दिया है? अरे नहीं, वो बोलते ना मर्द, बोलते नहीं 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 नहीं, वो मुर्दे पे गॉगल सूट नहीं करेगा ना, इसलिए थोड़ा ये कर रहा हूँ। हाँ चलो, जोक सपाट यार। पिक्चर दीपक तिजोरी सर, ये टिप्सी सर, ये 10 साल पुरानी फिल्म है। एक्चुअली मैं तो बोलता रिलीज ही नहीं करते तो अच्छा रहता सर। एक्चुअली सर रिलीज, एक्चुअली सर अनरिलीज फिल्म रहती तो अच्छा रहता था, ये ओटीटी के लिए भी लायक नहीं है फिल्म सर। इट्स अ डिजास्टर, मेगा डिजास्टर। पिक्चर अभी डायरेक्टर का नाम है दीपक तिजोरी, उनको तिजोरी में रखो यार। तिजोरी से बाहर किसने निकाला मालूम है? राजू चड्ढा, मैं उनको ही लूंगा मैं नाम, क्योंकि राजू चड्ढा एंड दीपक तिजोरी प्रेजेंस भाई नहीं करना चाहिए था प्रेजेंट यार सर। इट्स अ वर्स्ट प्रेजेंटेशन इन इंडियन सिनेमा, में तो बोलूंगा इतनी वर्स्ट फिल्म है सर, इतनी वर्स्ट फिल्म है यार। मतलब मैं तो एक ब्लेम करना चाहूंगा ना, आप दिग्विजय सर को भी ब्लेम करना चाहूंगा, उन्होंने मुझे 3:45 फोन किया रात को, बर्थडे विश किया, तो क्या बोलते कल रात को टिप्स, बोले कल शाम को टिप्स ही देखेंगे। बोले भाई मेरे को नहीं देखनी है फिल्म, को मालूम है ये फिल्म का मेरा हश्र ये होने वाला है। नहीं, इनकी मौत तो तय है मेरे हाथ से, वो बात अलग है। लेकिन देखो यार, क्योंकि पिक्चर में ना प्लॉट है ना स्टोरी है ना कुछ नहीं है, साला गोवा के नाम पे। अरे लेकिन इतनी अच्छी अच्छी हॉट हॉट लड़कियां तो है वो लड़कियां। अरे मैं तो बोलू ना, मेरी पड़ोस वाली आंटी मैक्सी में अच्छी दिखती है भाई, वो मैक्सी में हॉट दिखती है भाई, मालूम है? वो फुल फुल कलर की पहनती है ना, तो साला वो हॉट दिखती है मालूम है? भले उसका उम्र 70 साल का, सॉरी चलो कोई बात नहीं। देखो सबसे पहली बात, ये पिक्चर में ना स्टोरी है ना स्क्रीन प्ले का ठिकाना है ना डायलॉग्स का ठिकाना है, क्योंकि इसमें ना सिर्फ एक ही चल रहा है कि सूरज कहाँ है भाई। मैं तो बोलता हूँ सूरज अपना नाला सोपारा में, कौन अपना सूरज कुमार, सॉरी तो बात अलग है। चलो कोई बात नहीं। देखो पहली बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या मालूम है पिक्चर उनसे गोवा जाएगी, वो तो मिल, वो देखो समझो दीपक तिजोरी को सूरज कुमार मिला, धज्जा उड़ा देगा उसको। वो धज्जा उड़ा देगा वो। चलो वो बात देखो, मैं तो बोलना चाहूंगा ना कि अभी गोवा का सीनेरियो दिखाया भाई, गोवा किधर है भाई? गोवा छोड़ो, मैं तो बोलो बैंड्रा का वेरोनिका का गली दिखाया है, मैं तो बोलूंगा वो तो सबसे खूबसूरत दिखता है। वो नाइट लाइफ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं भाई, वो क्या लड़कियां क्या कर रही है, कौन सी मर्डर में फंसी है? नहीं, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि लड़कियां एक मर्डर के फंस जाते हैं, लेकिन वो इतना इतना इलॉजिकल मर्डर था ना उसमें, ऐसा ऐसा लगता था
ऐसा लगता है। नहीं 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 वो सबसे अच्छा मैं तो बोलू ना, केआर के ने इससे जबरदस्त काम किया। बगर क्यू भाई, वो सूरज वो मर, वो एक्चुअली वो मर जाना चाहिए था पिक्चर में। लेकिन सूरज कौन है पिक्चर में मेरे को नहीं मालूम वो सूरज कौन है। मैं तो बोलू ना, सूरज सूरज नाम का बंदा ही नहीं रहना चाहिए इस दुनिया जो रहेगा। तो सूरज को ढूंढने को गोवा भेजना पड़ेगा सबको बर्थडे गिफ्ट। आप बोले ना, बोल बोल बोल। चलिए विघ्नेश को दे दिया माइक, बोलूं कैसे लगी टिप्सी? अभी इन्होंने तो इतनी तारीफ कर दी पिक्चर की और क्या गए यार। इस पिक्चर का नाम टिप्सी नहीं फुस्की होना चाहिए यार। क्या दिखा रहे हो यार, सिर्फ चार लड़कियां दिखा रहे हो, उनके फिगर ठीक ठाक है। चार लड़की उनको गोवा में जाते हैं कुछ? नहीं नहीं, नहीं सर, ये 150 रुपए का सिर्फ फिगर देख के पिक्चर देख के नहीं आया। अरे गोवा में जाते हैं, वहाँ लाश मिल जाती है और क्या यार, वो जो ट्विस्ट दिखाते हैं ना, मतलब एक्चुअल मर्डर क्या होता है लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। आखिर अरे 2 घंटे 5 मिनट यार, सच में ये इतना कम ड्यूरेशन में भी लोगों को टॉर्चर कर देगी यार। दीपक तिजोरा सबसे बड़ी बात, चारों है कौन यार, चारों को देखने एक, कौन एक, जाएगा? एक एक इसमें हीरोइन थी सर, वो ग्रेट ग्रैंड मस्ती में दिखी थी वो कायनात। हरियाणी में दिखा यार, उसका हॉटनेस दिखाओ यार, एक कुछ से सिंगल लिप लॉक तो दिखाओ, लेकिन कुछ नहीं था सर, कुछ नहीं दिखाया, लिप लॉक भी नहीं दिखाया, कुछ भी नहीं दिखाया। ये कंटेंट में यार कितनी सारी पिक्चर ऑलरेडी बन चुके हैं यार, अगर आप देखोगे इन पास्ट में ये देखने लायक कुछ है ही नहीं यार। बहुत ही डिसअपॉइंटेड कर दिया यार, और मुझे अब भी मालूम पड़ा ये 10 साल पुरानी पिक्चर है। मुझे भी आज पता चला यार, ये अनरिलीज, मैं बोल रहा हूँ ना, ये अनरिलीज फिल्म रहती थी ना तो ये अच्छी रहती थी यार, डायरेक्ट यूट्यूब में डाल देते थे, थोड़ा व्यूअरशिप तो आता था। हाँ यार, तो उससे ज्यादा व्यूअरशिप आ जाता था यार, क्या बोलूं यार। एंग्री टू मच एंग्री हमारे डोंगे। मैं तो वही सोचा सेकंड हाफ जैसे स्टार्ट हुआ यार, पिक्चर कब खत्म होएगा और मैं सीट छोड़ के भाग जाऊं। एक्चुअली मैं भाग भी गया था ये, एक्चुअली मैं तो भाग रहा था, ये लोग दोनों ने पकड़ के बैठे थे यार। मत हाँ यार, इसको क्यों पकड़ा, क्योंकि 150 रुपए का टांग देखने आया था पिक्चर, इसलिए। वो भी बराबर, टांगे वो तो यार ठीक है, पिक्चर क्या थी यार, मजा नहीं आया बहुत यार। अभी ये बोलेंगे टू मच डिसअपॉइंटेड, वेरी मच डिसअपॉइंटेड, वेरी मच एंग्री हमारे सेकंड इडियट विघ्नेश। आता हूँ अभी गोलू के पास में। गोलू टिप्सी नाम टाइटल बहुत पसंद आया था, है ये कब हुआ? सर जी देखो आज रिव्यू का पता नहीं, ये घंटी हंसने आ रहा है, क्या करूँ रिव्यू में, गोवा के नाम पे गोवा नहीं दिखाया, गाँव दिखा दिया। लस्ट के नाम पे लड़कियों को मतलब वैसा क्या बोलते हैं, पेश नहीं किया गया, टांगे दिखा के घर भेज दिया गया। इसको मेरे को 150 रुपए देने, वो देने नहीं वाला अभी मैं। 150 रुपए लेकिन ना सर, एक चीज ग्लैमर में देखिए आपने, ग्लैमर में ग्लैमर ही नहीं दिखा, ग्लैमर का जी तक देखने नहीं मिला, सिर्फ इनका रोना धोना ही देखने मिला और दारू देखने मिला। वो भी दारू इन लोग ने असली पी के नहीं, वो पता नहीं ड्रग वर्ग लिया इन लोग ने बताया, लेकिन जो भी कुछ था ना सर एकदम बहुत आउटडेटेड था। शायद आज से 10 साल पहले जैसे आप बोल रहे हो कि रिलीज होती तो शायद चल जाती, लेकिन आपके टाइम में डिजास्टर ही होती थी। मैं नहीं, लेकिन पता नहीं अभी तो इसका चलना बहुत मुश्किल है और वैसे भी शोज कम मिले। कल रात को मैं हॉस्पिटल में बैठ के इसके शोज देख रहा था, कहाँ कहाँ है देखेंगे। उधर ही रहना चाहिए था हॉस्पिटल में, इधर आए क्यों तू? ये भाई की वजह से, जो कैमरे के पीछे है ना वो पीछे पड़ा था मेरे, उनकी मौत कन्फर्म हो जाती है। लेकिन ना सर इसमें यू नो व्हाट, एक ही चीज इंजॉयबल थी पता है क्या? Yeah. दीपक सर की जो बार बार री एंट्री ना, ऐसा पीछे से कैसा अजीब सा बीजीएम बज रहा है, थोड़ा पीछे जाइए मैं करके दिखाता हूँ, जैसे वो आते ना चलते वैसे सावधान, और बात करने चालू होते ना तो ऐसा लगता ही नहीं है वो पुलिस वाला है, वो पुलिस वाला लग ही नहीं रहा कौन से भी एंगल से। और पुलिस वाले का कपड़ा क्या रहता है भाई बताओ, ये ऐसा मस्त जैकेट पहन के लाइक गोवा, अरे पुलिस लुक के बीच में गोवा हुआ वाइब नहीं होता है भाई, उन लोगों को प्रॉपर यूनिफॉर्म रहता है। और इसमें जो इलॉजिकली मतलब इन्होंने जैसा बोला, मैं इसको एक लाफा देता हूँ, ये मर जाएगा फिर तो इसी हिसाब से। मैं सच बता रहा हूँ, इनका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का झगड़ा होता है और वो लड़का ऑफ हो जाता है, और नाम क्या सूरज, और सूरज वो जैसे पिक्चर आती है ना वो सूरज हुआ मतलब नहीं रे, ब्रह्मास्त्र में आलिया भट्ट कैसे शिवा 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 कर रही थी, इसमें सूरज 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 कर रही थी पापा पापा, और मैं कंटाल गया। लेकिन सच बोल रहा हूँ, असली सूरज जो है उसको अगर ये वीडियो अगर ये उसने पिक्चर देखी होती ना, वो ऐसा रोस्ट मारता, नाम चेंज कर देगा वो। एक्चुअली सर जी बहुत टाइम पास पिक्चर थी, सबसे बैड डिसीजन है हमारा आज ये पिक्चर देखने का,
मैं ऐसा किसी के लिए हेट नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ दीपक सर आपने बहुत मेहनत की, मेरे को मालूम पड़ा आपने सेंसर बोर्ड वालों के साथ भी झगड़ा झंझट किया, बहुत ब्लास्ट हुआ आपका कि आपकी अनकट पिक्चर नहीं आ पाई, पूरी की पूरी जो पिक्चर आपने बनाई है, शायद वो आती तो शायद हमारे समूह भाई का आज दिन सफल हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं। देखो मैं बोलूँ ना, उनके एक पिक्चर थी ना, वो एक कहानी है, एक कहानी नाम की एक फिल्म थी, देखो काजल अग्रवाल और रणदीप हुड्डा की, वो एक्चुअली अच्छी थी। वो दीपक सर ये आपके लिए भी अच्छा बोलूंगा सर, क्योंकि वो पिक्चर एक्चुअली अच्छी थी, ये नहीं है सर, बहुत फालतू, बहुत बिल्कुल पसंद नहीं आई हमारे मुंबई के। इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ टाइम, मोस्ट ऑनेस्ट थ्री इडियट्स। बोलो विघ्नेश समृद्ध को टिप्सी बिल्कुल पसंद नहीं आई है, गिफ्ट नहीं मिल पाया दीपक तिजोरी की तरफ से, उनके तिजोरी में से हमारे बर्थडे बॉय समूह को ये मुंह छुपाते हुए नहीं ले रहा। चलिए ठीक है, ऑडियंस को फिर भी मन है तो जाके टिकट खरीद सकते हैं और देख सकते हैं टिप्सी। टिप्सी टाइटल पसंद आया था गोलू को? अरे एक नहीं आया रे बाबा, पसंद एक का लास्ट कंफर्म है मतलब। अरे लेकिन मैं सच बात बोल रहा हूँ, इसमें जो विलन भी दिखा है ना, वो विलन विलन भी नहीं लग रहा है। अरे वाह 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 वाह, दूसरा हमारा जिमी सर लग रहा है। ओके, केनी के भाई थे सर वो, एकदम अजीब सा ही था वो। थैंक यू, नो नो थैंक यू, नो थैंक यू, नो थैंक यू, नो थैंक यू।